हेलो फ्रेंड्स, बिजनेस मंथा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से नए नए बिजनेस के बारे में जानकारी देते हैं जो नए बिजनेस शुरू करने वालों के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। आज हम 5,000 रुपये में शुरू करें बिजनेस के अंतर्गत मुंबई के फेमस ब्रेकफास्ट के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ये इतने फेमस ब्रेकफास्ट हैं जिसे देश के हर क्षेत्र में लोग खाना पसंद करते हैं। ये ऐसे बिजनेस हैं जिन्हें दिन में 2-3 घंटे करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं वे कौन कौन से फेमस ब्रेकफास्ट हैं जिन्हें आप अपने शहर में कर सकते हैं। फेमस ब्रेकफास्ट में सबसे पहला नाम है बड़ा पाव का। मुंबई का बड़ा पाव आज हर जगह अपनी पहचान बना चुका है। ये भारतीय बर्गर के रूप में भी जाना जाता है। पाव के अंदर चटनी की लेयर और बटाटा बड़ा लगाकर सर्व होने वाला बड़ा पाव बहुत ही चटपटा और मसालेदार स्नैक्स है। इसे आप बड़ी ही सरलता से बनाकर स्पेशल नाश्ते के रूप में परोस सकते हैं। बड़ा पाव बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए पहले पाव को बीच में से काट लिया जाता है। उसके बाद इसमें हरी चटनी और सूखे लहसुन की चटनी लगाकर बटाटा बड़ा यानी आलू बड़ा रखकर परोसा जाता है। इस बिजनेस को आप मात्र 5,000 रुपये में शुरू करके प्रतिदिन 2 से 3,000 रुपये यानी माह में 50 से 60,000 रुपये आसानी से कमा सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है पाव भाजी। पाव भाजी एक स्वादिष्ट लोकप्रिय व्यंजन है जिसमें मिश्रित सब्जियों को विभिन्न मसालों के साथ पकाकर मसालेदार सब्जी तैयार की जाती है। इसके साथ मक्खन में सेके हुए नरम पाव परोसे जाते हैं। पाव भाजी मुंबई का सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला ब्रेकफास्ट है। इसे नाश्ते में ही नहीं लंच या डिनर के समय भी खाया जाता है। इस बिजनेस को भी मात्र 5,000 रुपये में शुरू किया जा सकता है। इससे भी प्रतिदिन 2 से 3,000 रुपये की इनकम होती है। मुंबई के फेमस डिश में तीसरा है भेलपूड़ी। भेलपूड़ी का नाम आते ही मुंबई की चौपाटी याद आ जाती है। भेलपूड़ी भी भारत के लोकप्रिय चाट में से एक है। ये चाट मुंबई में ही नहीं भारत के अन्य शहरों में भी काफ़ी लोकप्रिय है। इसे अक्सर शाम के समय खाया जाता है। भेलपूड़ी एक चटपटा मिश्रण है। ये ना केवल खाने में स्वादिष्ट है बल्कि इसे बनाना भी आसान है। भेलपूड़ी मुरमुरे सेव टमाटर आलू प्याज और खट्टी मीठी तीखी चटनियों को मिलाकर तैयार किया जाता है। इस बिजनेस को भी मात्र 5,000 रुपये में शुरू किया जा सकता है। इससे भी प्रतिदिन 2 से 3,000 रुपये यानी महीने में 40 से 50,000 रुपये की कमाई हो जाती है। चौथा फेमस डिश है मिसल पाव। मुंबई का मिसल पाव एक बहुत ही पसंदीदा फूड है और ये बहुत ही स्वादिष्ट व तीखा होता है। ये एक फेमस महाराष्ट्रियन डिश है जो आमतौर पर सुबह के नाश्ते में खाई जाती है। कई जगह पर इसे लंच या डिनर के समय भी खाना पसंद करते हैं। मिसल पाव में मिसल ही मेन होता है। यदि आप इसे अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप इस बिजनेस से अच्छी इनकम कर सकते हैं। इस बिजनेस को भी आप 5,000 रुपये में शुरू करके प्रतिदिन 2 से 3,000 रुपये या उससे भी अधिक की इनकम कर सकते हैं। पाँचवा फेमस ब्रेकफास्ट है कांदा पोहा। पोहा कई तरीके से तैयार किया जाता है लेकिन मुंबई का कांदा पोहा सबसे अधिक फेमस है। इसे बनाना भी बहुत आसान है। कांदा पोहा बनाने के लिए भीगे हुए पोहे को सरसों हरी मिर्च और कड़ी पत्तों का पारंपरिक तड़का लगाया जाता है। इसके बाद परोसते समय नींबू के टुकड़े के साथ परोसा जाता है। कांदा पोहा का सुबह नाश्ते में खाना पसंद करते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए भी मात्र 5,000 रुपये की आवश्यकता होगी। यह सुबह के 2 या 3 घंटे का बिजनेस है। इस बीच ही 2 से 3,000 रुपये की कमाई हो जाती है। फ्रेंड्स, इस तरह के बिजनेसों को करके आप कम समय में अच्छी इनकम कर सकते हैं। बिजनेस से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारा ब्लॉग बिजनेस मंथा देखें जहां 400 से अधिक बिजनेस के बारे में जानकारी दी गई है। साथ में मार्केटिंग और पब्लिसिटी के बारे में भी बताया गया है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि बिजनेस से संबंधित वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार।